ह्यूज बेस्ट विशेस अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, खुशामदीद। मैं हूं अल्ताफ और आप बिजनेस मिनिस्टर का यूट्यूब चैनल और आप ये देख रहे हैं ब्राउनी शंखों वाला अब्दुल्ला साजिद। अभी सारों ने बात की जब स्टार्ट में आया था तो बड़ा तगड़ा लग रहा था, छोटा था लेकिन इम्प्रेसिव था मेहनत के हवाले से। और सार भी कहते हैं कि मैंने इसको पहले दिन जब हमने इसका इंटरव्यू लिया खेल प्रैक्टिस के दौरान, तो सार भाई का कहना ये कि जी सार भाई को इसकी आंखों में वो चमक नज़र आई थी कि ये इंशाल्लाह नेशनल टीम का हिस्सा बनेगा। अब ये बात सार भाई ने क्या सोच के की थी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि इस बच्चे ने शायद वो बात अपने दिलो दिमाग में बिठा ली थी जिसकी वजह से ये उस टाइम से लेकर अभी तक हार्ड वर्क कर रहा है। और माशाल्लाह अंडर 16 भी खेला, अंडर 19 भी खेला है और आज स्पेशल अकेडमी में ये आए हैं मशीन के अगेंस्ट प्रैक्टिस करने के हवाले से। जो इन्होंने प्रैक्टिस की है वो देख के हमें भी प्राउड फील हो रहा है कि ये बच्चा स्टार्ट में हमारी अकेडमी का हिस्सा था। और आजकल माशाल्लाह मसूद अनवर साहब इस पर मेहनत कर रहे हैं और अंडर 16 अंडर 19 ये उन्हीं की तरफ से खेला और अपने क्लब का नाम ये रोशन कर रहा है। मिस्टर अब्दुल्ला, हाउ आर यू? आई एम फाइन, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। गुड हो गया। क्या रूटीन है बच्चे ये माशाल्लाह आज जो मशीन के अगेंस्ट तो खेला, बड़ा अच्छा खेला है, इसका मतलब है हार्ड वर्क जारी है? बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे भी हम किसी भी स्पोर्ट्स की फील्ड में आते हैं तो अगर आपने ये गोल आपने अचीव कर लिया कि मैंने यहाँ तक पहुँचना है तो उसके लिए आपको डेफिनेटली मेहनत की ज़रूरत होती है। जितने ज़्यादा आप हार्ड वर्क करते हैं उतना आपको रिजल्ट उसके मिलते हैं। तो मेन चीज़ ये है कि आपने स्ट्रगल करनी होती है और ये है कि लाइफ में आप अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं, बट ये है कि उनको एक पॉजिटिव वे में लेके ना अपनी हार्ड वर्क करते रहना चाहिए। तो उससे ये है कि मतलब आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस फील होता है और ये है कि आपकी गेम भी फिर इम्प्रूव होती है। पेरेंट्स कितनी सपोर्ट करते हैं आपको आपकी क्रिकेट को लेके? अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स की तरफ से फुल सपोर्ट है। मेरे पापा मेरी मामा बहुत सपोर्ट करते हैं। शुरू में जब मैं छोटा था इधर आया था अकेडमी में तो वहीं यहीं से स्टार्ट की थी तो इसरार भाई ने बहुत हेल्प की, तो ये बेसिक वगैरह मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग की उन्होंने। तो बाकी मामा पापा की तरफ से भी फुल सपोर्ट है, बट ये है कि पढ़ाई भी साथ साथ रखनी है क्योंकि पढ़ाई पे तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने मुझे ये बात की थी कि अगर आपने खेलना है तो साथ पर स्टडी को भी कंटिन्यू रखना पड़ेगा। पढ़ाई में आप कैसे हो? पढ़ाई में भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। फेवरेट सब्जेक्ट? फेवरेट सब्जेक्ट्स मैथ। ओके, मौका मिलता है जब टीवी देखते हो या इंटरनेट देखते हो तो किस तरह के चैनल्स को फॉलो करते हो? बेसिकली तो क्रिकेट के ही होते हैं, उसमें फिटनेस वगैरह आगे फील्डिंग वगैरह सब कुछ इन्हीं चैनल्स को फॉलो करता हूँ और जितना कोशिश हो सके सीखने की कोशिश करता हूँ। जो भी जहाँ से भी छोटी सी भी नॉलेज मिले तो उसको गेन करने की कोशिश करता हूँ। गुड हो गया। नाश्ता करके आए थे? जी करके। अभी खाना खाना? खाना अभी भूख नहीं है। भूख नहीं है जी। तो कोई पानी शानी दे दें आप? थोड़ा सा ऊंचा बोले, जरा तगड़ा बोले, जरा पता लगे वो प्लेयर बोल रहा है। जब आप थोड़ा हाई वॉल्यूम में बोलते हो तो थोड़ा सा आप कॉन्फिडेंस भी शो करते हो, तो जिस तरह की पर्सनैलिटी है मैं बड़ी उम्मीद के साथ ये कहना चाह रहा हूँ कि इंशाल्लाह आप हमें अच्छे लेवल पे खेलते हुए नजर आओगे। जो आपकी प्रैक्टिस चल रही है कीप गोइंग, ट्रेनिंग को कभी मिस ना करें, हमेशा ट्रेनिंग लाजमी करें। जिन चैनल्स को आप फॉलो करते हैं, जिन प्लेयर्स को आप फॉलो करते हैं, क्योंकि आप लेफ्ट हैंड बैट्समैन हो, शुरू में आप लेग स्पिन गुगली करते थे गालवाना, अब आप ऑफ स्पिन कर रहे हो, लेकिन डेफिनेटली आपका जो मेन जो अगर मैं कहूँ स्ट्रेंथ है वो लेफ्ट हैंड बैटर ही होगी। बैटिंग किस नंबर पर करना पसंद करते हो और किस इंटरनेशनल प्लेयर को फॉलो करते हो? मेनली मैं ओपनिंग या वन डाउन खेलता हूँ और जो इंटरनेशनल प्लेयर है मतलब सारे प्लेयर्स को ही फॉलो करता हूँ, जिससे जोन सी भी चीज़ सीखने को मिल जाए उसको फॉलो करता हूँ। बाकी मेन जो फेवरेट बैटर है वो लेफ्ट हैंडिंग में इमाम उल हक है। देखिए इमाम उल हक को तो शुरू में बड़ा क्रिटिसाइज किया, पर्ची। जब उसको पर्ची कहते थे तो आप उस चीज़ को सच मानते थे या कहते थे यार ये गलत कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं? नहीं, अब देखें जब उसने डेब्यू किया था श्रीलंका के खिलाफ तो अपने पहले मैच में ही उसने सेंचुरी की थी, तो उससे भी ये साबित हो जाता है कि मतलब पीछे तो हार्ड वर्क ही हुई होती है। उसकी गेम उसकी इसी तरह थी कि उसने डेब्यू पे अपने 100 किया, तो हर एक इंसान को फील तो होता है। अब ये कि अब जिस तरह वो परफॉर्मेंसेस कर रहा है, लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज हुई थी उसमें भी उसने 100 किए थे, तो अपने आप को उसने प्रूव किया। तो ये कि टॉप रैंकिंग में अभी भी है? जी बिल्कुल टॉप रैंकिंग में आ रहा है। जिस तरह इमाम उल हक को उनकी बैटिंग को लेके क्रिटिसाइज किया जा सकता है कि वो T20 में नहीं एडजस्ट कर सकते, वो कम से कम वनडे खेलें या
टेस्ट खेलें, आपको क्या लगता है कि अब्दुल्ला साजिद ने जो मेहनत की है अभी आप किस तरह के प्लेयर बन चुके हो या बनना चाह रहे हो, या आपको क्या लगता है कि अगर इमामुल हक T20 में एडजस्ट नहीं हो पा रहा तो अब्दुल्ला साजिद को T20 पसंद नहीं है, या T20 में एडजस्ट करने के लिए उन्होंने कुछ स्पेशल मेहनत की हुई है? देखिए, कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं होता, उसको अपने ऊपर हर टाइम मेहनत करनी होती है। कोई भी चीज़ उसे, मतलब जहाँ पे भी उसकी वीकनेस हो उसके ऊपर उसे काम करना चाहिए। तो मेन ये कि मेरा गोल तो यही है, तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान को इंशाल्लाह रिप्रेजेंट करूँ, और उसी के लिए हार्ड वर्क जारी है। इंशाल्लाह पीछे मुड़ के देखिएगा क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे, स्पिडस्टर इंडोर क्रिकेट अकेडमी। स्पिडस्टर इंडोर क्रिकेट एकेडमी, स्पिडस्टर क्रिकेट बॉलिंग मशीन। और मैं अभी क्योंकि आपसे बात कर रहा हूँ तो इमेजिनेशन में मेरे पता क्या आ रहा है, मुझे वो रेड एंड ब्लैक जो लोगो है ना वो टेन स्पोर्ट्स का नजर आ रहा है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको भी देखने को मिलेगा इंशाल्लाह एक इंशाल्लाह दिन पाकिस्तान के। ESPN, टेन स्पोर्ट्स, स्टार स्पोर्ट्स, इंशाल्लाह इंशाल्लाह टीवी भी होगा इंशाल्लाह। अच्छा, इमामुल हक की बैटिंग को आप जरूर फॉलो करते होंगे, बेसिक्स भी आपकी उनकी तरह होंगी, पावर हिटिंग भी बिलीव करते हैं? जी बिल्कुल। जैसा कि अब क्रिकेट बहुत फास्ट होती जा रही है, अब आप देखें कि वनडे में भी 300 400 मतलब नॉर्मल स्कोर होते जा रहे हैं, तो उसके लिए ये है कि अपनी जो नेचुरल गेम है उसके साथ साथ पावर हिटिंग को भी इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट बहुत फास्ट हो गई है, तो इसको भी अपनी गेम का हिस्सा बनाना है। ओके। अगर मैं पूछूं कि आपने लास्ट 50 या 100 कब किया था? मैंने लास्ट 50 मई के एंड पे किया था, 100 सॉरी। 100 100 आपने किया था 5 छठे महीने में बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली, और ज्यादातर यहाँ पे रूटीन में तो आपको T20 खेलना मिल रहा होगा। इसी तरह, क्योंकि कभी कभार जो मेन क्लब के मैचेस होते हैं वो मिल जाते हैं, वो तो फिर लॉन्ग फॉर्मेट के होते हैं क्योंकि उसमें सब प्लेयर्स फिर खेलते हैं, तो इस वजह से मेन तो ये है कि जितनी भी लीग्स हो रही हैं या जितनी भी क्रिकेट हो रही है वो मेनली T20 की होती है। टेस्ट वनडे T20 क्या चूज करोगे? टेस्ट गुड, ये एक अच्छे प्लेयर इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि ओपनिंग या वार्म ओपनिंग अप, किस चीज को ऑड फील करते हो? अटैक आप ओपन कर रहे हो, अटैक स्पिनर आ गया है वो सही है आपके लिए, फेवरेट है या फास्ट बॉलर फेवरेट है, शुरू में फर्क पड़ता है इससे? गेम की सिचुएशन के हिसाब से, मतलब जिस तरह इनिंग स्टार्ट हुई है तो कोशिश यही करता हूँ कि थोड़ा सा उसको लंबा लेके चलूँ। अगर स्पिनर भी आ जाता है तो मतलब यही है कि पूरे ओवर खेलने होते हैं, टीम को लेके चलना होता है, और मेन यही होता है कि रन्स करने। इनिंग्स में कितने छक्के आपके होते हैं? छक्के मारते हो या मुश्किल है? कम से कम मतलब एक दो तीन तो लाजमी होते हैं, क्योंकि दो आपको तीन पता लग है जाते हैं। बिल्कुल, आप अगर आपने बड़े स्कोर करने हैं तो उसमें सिर्फ ओनली सिंगल डबल कौन तो नहीं सी होता। छक्का मारने के लिए कौन सी पोजीशन फेवरेट है जिसपे आपको लगता है कि आपका बैट स्विंग आपका साथ देता है? हाँ, स्पिनर की स्पिनर हो तो स्लॉग स्वीप, इफ फास्टर देन स्ट्रेट और ओके एक्स्ट्रा डबल। ओके ओके। और स्टडी को और साथ क्रिकेट को कैसे मैनेज कर रहे हो आप? दोनों को मैनेज करता हूँ। अकेडमी जाता हूँ, अकेडमी से पहले 3 4 घंटे अपनी प्रैक्टिस करता हूँ। उसमें ये है कि मतलब ये होता है कि टाइम ज़ाया नहीं करना, क्योंकि यही 3 4 घंटे होते हैं, और मेन गोल भी यही है कि पाकिस्तान के लिए खेलना है, तो फिर वो टाइम ज़ाया नहीं कर सकता। तो इसीलिए स्टडी से, अकेडमी के टाइम से पहले क्रिकेट खेलता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, देन अकेडमी जाता हूँ। सारी बातें इंटरव्यू में अच्छी अच्छी करें तो अच्छा नहीं लगता। मुझे ये बताइएगा कि जब आप थोड़ा सा अब्दुल्ला को पानी पिलाते हैं, लेकिन इसके बाद जो मुझसे क्वेश्चन करने लगे हैं वो शायद इनके हल्क से नीचे ना उतरे। चले, गुड हो गया। थैंक यू शहजादे, मैच आप खेल रहे हो, जी। आप कर रहे हो, आप चाह रहे हो ओपन करना है, वन डाउन करना है, अगर आपको 8वें नंबर पे बैटिंग मिले तो अब्दुल्ला साजिद का क्या रिएक्शन होगा? इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि अगर जल्दी आउट हो गए तो यही है कि साथ साथ मेन स्ट्राइक तो अपने पास रखूं, और ये है कि जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके वो रन्स करूं। मैंने आपसे गुजारिश की है कि अच्छी अच्छी बातें नहीं करनी, मैंने आपसे ये जानना चाहा है कि अब क्योंकि मैं भी जितनी आपकी एज है उससे ज्यादा मैंने क्रिकेट खेली भी है, बिल्कुल। मेरा पॉइंट ये है कि जब आप किसी स्क्वाड का हिस्सा होते हैं और आप चाहते हैं मैं ओपन करूं वन डाउन करूं, और कैप्टन आपको ओपन नहीं भेजता, फिर आप सोचते हो वन डाउन भेज देगा, टू डाउन भेज देगा, तो उससे माइंड में क्या चल रहा होता है, क्या फीलिंग्स होती है? देखिए, जिस चीज़ की हम 8वें नंबर पे आपको बारी मिलेगी, आप ओपनर हो, दिमाग में क्या आ रहा है, मूड खराब हो रहा है,
आपने खुद को किस तरह तैयार किया और आपके माजी के एक्सपीरियंस कैसे हैं और फ्यूचर में आप इस कंडीशन को कैसे टैकल करोगे? देखिए, जिस तरह की गेम, मतलब अब मैं ओपनिंग करता हूँ तो मेरा यही होता है कि मतलब पूरी इनिंग्स खेलनी है। बट इफ कैप्टन अगर ऊपर नीचे, मतलब जैसे आप कह रहे हैं 8वें नंबर पे भेज देता है, उससे थोड़ा ये तो होता है बंदा, क्योंकि वो उस सिचुएशन के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि उसे उसकी गेम जो मेन होती है वो ओपनिंग कर रहा होता है, तो उसके लिहाज से वो सारी प्लानिंग करता है। तो फिर ये होता है कि जब 8वें नंबर पर आपको बारी मिलती है, उस हिसाब से उसी टाइम आपको प्लान चेंज करना होता है और फिर अटैकिंग गेम खेलनी होती है। प्लान तो बाद में आएगा, मुराल के बारे में क्या ख्याल है? मोरल डाउन होता है बंदे का। डाउन होता है, यही मेरा पॉइंट है कि भाई जब आप नेशनल लेवल की क्रिकेट खेलनी है तो आपने ओपन से लेकर आखिरी टाइम तक तो खुद को रेडी रखना है, और कभी भी इस चीज को ईगो का प्रॉब्लम नहीं बनाना, इंसल्ट नहीं फील करना, कॉन्फिडेंस इससे शेक नहीं करना। ये इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ कि ये चीज बहुत आम देखी जाएगी, एक सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी, एक सिचुएशन और भी हो सकता है आपको देखने को मिले कि आप डिजर्व तो करते हो कि आपको टॉप 11 में रखा जाए, लेकिन आपको थोड़ा अरसा बेंच पे बिठाया जाएगा। अगर 16 में आप आ गए हो तो 11 में आना मुश्किल हो जाएगा, 11 में आ जाओगे तो एग्जैक्ट नंबर पे आपको बारी नहीं मिलेगी। टॉप सिलेक्शन में ये प्रॉब्लम आती है कि आप डिजर्व करते हो। जब हम बात करते हैं इमामुल हक की, तो इमामुल हक के बारे में जो लोग नेगेटिव बात करते हैं वो ये बात करते हैं कि भाई बात है सारी अपॉर्चुनिटी की। जो इमामुल हक को अपॉर्चुनिटी मिली थी उस टाइम, और बहुत से प्लेयर थे जिनकी कोई पर्ची नहीं थी, कोई सिफारिश नहीं थी, कोई रेफरेंस नहीं था, अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती तो वो इमामुल हक से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते थे। इस बात को मानते हो आप? बिल्कुल इसी तरह है, जैसा कि अब आपने बात की कि मामला मतलब इस तरह खेलते हैं, तो ये कि उससे पहले भी मतलब जितने भी प्लेयर्स थे तो उनसे अच्छे भी थे, या मतलब ये कि अब उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली तो बस उस टाइम वो अवेल कर गए। तो ये कि जिस टाइम भी बंदे को अपॉर्चुनिटी मिले तो वो अवेल करे और परफॉर्मेंसेस दे, तो मेन यही होता है कि आपकी जितनी परफॉर्मेंसेस हाई होती हैं तो उसी बेस पे फिर आपको मतलब टीम में सिलेक्शन वगैरह। इसी बेस पे एक और टफ क्वेश्चन, सिचुएशन ये आ गई कि भाईजान आप अपना क्लब स्विच करेंगे तो अगली क्रिकेट मिलेगी, क्या करोगे? देखिए, मेन तो हमारा यही है कि हमने क्रिकेट खेलनी है, उसी के लिए मेहनत करते हैं, घर से सपोर्ट भी उसी की वजह से होती है, तो फिर क्रिकेट खेलनी है तो फिर इस साल भी ऐसा होता है ना, माजी में होता रहा ना, माजी में बहुत से प्लेयरों के साथ ऐसा हुआ है कि भाई इस क्लब को छोड़ के इस क्लब को ज्वाइन कर लो तो आपको क्रिकेट मिलेगी। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा कि आप अपना क्लब छोड़ें, मैं सिर्फ ये बात करूं कि हमारे आसपास किस तरह की टफ सिचुएशन चल रही होती है, कि जो आप जैसे यंगस्टर होते हैं, टॉपर होते हैं, परफॉर्मर होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, उनको जब इस सिचुएशन में से गुजरना होता है तो बड़ी ही एक वो मेंटल स्ट्रेस का बायस बनते हैं कि उस क्लब को कैसे छोड़ दें जिस क्लब ने अभी तक सपोर्ट की। बहुत बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। आपके ख्याल में अगर आप पर ऐसा टाइम आए, या आपको क्या लगता है कि उस टाइम प्लेयर्स किस तरह इस सिचुएशन को टैकल कर सकता है? ये सवाल बहुत मुश्किल है, मुझे आपसे करना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं आपसे राय जरूर जानना चाहूंगा। और ये इस क्वेश्चन का मैंने जिक्र इसलिए किया उस हल्का अहबाब जो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करते हैं, भाई प्लेयर का टैलेंट देखना चाहिए, उसका क्लब नहीं देखना चाहिए कि फलाने क्लब से है और फलाने क्लब से नहीं है, कैसे टैकल करोगे? बिल्कुल, देखिए मेन चीज़ तो यही है कि अगर हम क्रिकेट स्टार्ट करते हैं, हमारा यही गोल होता है कि हमने पाकिस्तान खेलना है, तो ये ऐसी सिचुएशंस आपके सामने आती रहती हैं कि मतलब जिस तरह आप क्लब चेंज कर, अब हमने तो मेन क्रिकेट खेलनी है, तो उसके लिए अब हम टाइम तो नहीं ज़ाया कर सकते ना, मतलब ये कर सकते हैं कि एक क्लब के पीछे अपनी क्रिकेट, क्योंकि खेलनी तो क्रिकेट है हमने, ये कि जहाँ से सपोर्ट मिले, जहाँ से भी होता बहुत मुश्किल है, क्योंकि शुरू से आप एक क्लब में खेल रहे हो वो आपको इतना सपोर्ट करता है, बट मेन फिर वही बात आ जाती है कि हमने क्रिकेट खेलनी होती है, तो उस पे ये है कि फिर क्या? नहीं, वैसे वैसे इसमें कैसे टैकल करोगे? अचानक स्विच कर जाओगे या अपने क्लब की सीनियर अथॉरिटी से आप रिक्वेस्ट करोगे, मशवरा करोगे? बिल्कुल, मशवरे में बेहतरी होती है, अपने जो सीनियर्स हैं उनसे मशवरा करके सारा अल्लाह कुछ ताला आपको करके। कभी भी इस ऐसी सिचुएशन में ना डाले, कभी अल्लाह ताला कभी भी किसी को ऐसी सिचुएशन में ना डाले जहां पर इंसान को ये लगे कि यार मैं किसी का एहसान फरामोश कर रहा हूँ और इसकी वजह से मैं अपनी सेल्फिश हो रहा हूँ। बाकी ये है कि लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि जो कि इंसान को और लगती हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि इंसान ने मेहनत की हो तो वो हर सिचुएशन से अच्छे से गुजर जाता है। और एक चीज़ मैं दोबारा आपसे कहना चाहूँगा, जब आप इस लेवल पे पहुँच जाते हो कि आपकी गेम अच्छी होनी शुरू होती है और आप परफॉर्म करना शुरू हो जाते हो, आपकी मेहनत रंग लाना शुरू कर देती है, तो फिर जनाबे अली क्लब भी आपके पीछे पीछे, ब्रांड्स भी आपके पीछे पीछे, स्पॉन्सर भी आपके पीछे पीछे होते हैं।
तो इंशाल्लाह जल्दी हम आपको अच्छे टॉप लेवल पे देखेंगे। वीडियो बहुत लंबी होगी, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, इंशाल्लाह आप दोबारा चक्कर लगाएंगे, जब जब मौका मिलेगा हम जरूर आपसे बात करना चाहेंगे। और मैं फिर दोबारा ये जिक्र करना चाहूंगा, रेड एंड ब्लैक का जो स्पिट्सर का स्टीकर नजर आ रहा है, अल्लाह करे कि जल्दी हम यहाँ पर टेन स्पोर्ट्स, ESPN, स्टार स्पोर्ट्स और PTV का लोगो। इंशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला। कोई लास्ट में आप कोई मैसेज देना चाहो, कोई बात करना चाहो, ओवरऑल इस अकेडमी के हवाले से, मशीन के हवाले से, कुछ भी आपके माइंड में हो, आप अपनी राय का इजहार इस लास्ट सेशन में कर सकते हो। मैं तो मेनली आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी यंगस्टर्स हैं, जितने भी क्रिकेटर्स हैं, वो यहाँ पे आएँ, बहुत फ़ायदेमंद है आपकी प्रैक्टिस के लिए। ये कि आप इसके रिफ्लेक्सेस वगैरह, ये आपको अपनी गेम को इन्हेंस करने में बहुत इम्प्रूव, मतलब आपको बहुत हेल्प करती है। तो मैं यही कहूँगा कि आप यहाँ पर आएँ और यहाँ पर इंजॉय करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह, रब रखा, अल्लाह हाफिज़।